हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं टाइप ऑफ स्पेस लैटिस। आज का जो अपना वीडियो है वो त्रिविम जालक के जो प्रकार हैं उससे रिलेटेड है, और इसमें अपन बात करेंगे कि त्रिविम जालक है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, उसमें किस तरह की जो स्ट्रक्चर है या संरचना है वो बनाई जाती है, और साथ में देखेंगे कि इसमें जो अवयवी कण है वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो वीडियो है टाइप ऑफ आपकी स्पेस लैटिस। देखिए, एक आपकी वैज्ञानिक थी जिनका नाम है आपकी ब्रेविस। इन्होंने आपकी बात करी 1948 के अंदर, ठीक है, कि आपकी जो आपकी अलग अलग क्रिस्टल हैं उनकी ज्यामिति संरचनाओं के बारे में क्या क्या अध्ययन किया, और इस अध्ययन के आधार पर इन्होंने बताया कि सामान्यतः कोई भी क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में जो आपकी बात करें जो आपके अवयवी कण है, ठीक है, ये जो अवयवी कण है इनकी बात करें तो इनको जो है क्या किया 14 प्रकार से इनको क्या किया व्यक्त किया, या कहते हैं इनको रिप्रेजेंट किया कि भाई ये जो अवयवी कण होंगे किसी क्रिस्टल के अंदर जो सामान्यतः उसकी ज्यामिति बना रहे हैं अवयवी कण है वो कितने प्रकार से हो सकते हैं, 14 प्रकार से हो सकते हैं। अर्थात अपन यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर क्रिस्टल की बात करें तो यहाँ पर आपके 7 क्रिस्टलों में 14 प्रकार के जो अवयवी कण हैं वो आपके व्यवस्थित हो सकते हैं, कि भाई यहाँ पर आपको 14 जो आपके कण हैं आपकी कौन सी अवयवी कण वो इसमें व्यवस्थित हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या बताया गया है, तो त्रिविम जालक है उसकी अपन बात करें तो सामान्यतः उसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, कि भी अवयवी कण किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, उनकी व्यवस्था के द्वारा क्या किया जाएगा, 7 प्रकार के क्रिस्टल बनाए जाएंगे, और साथ में उसमें अवयवी कण है वो 14 इसमें व्यवस्थित रहेंगे, और साथ में इनको व्यक्त करने के लिए इनको 4 भागों में क्या कर दिया, आपके जो क्रिस्टल है उसको आपके विभाजित कर दिया। अब देखिए इसमें बात करें, पहला दे रखा है आपके सिंपल या प्रिमिटिव लैटिस, या कहते हैं कि यहाँ पर अपन एक तो कहते हैं साधारण या फिर कहते आदिम टाइप के त्रिविम जालक। दूसरी बात करें आपका बेस सेंटर्ड लैटिस, यानी आधार केंद्रीय आपका त्रिविम जालक। फिर बात करें बॉडी सेंटर्ड लैटिस, तो यहाँ पर कह सकते हैं आपके कार्य केंद्रित आपका जो है जालक। और लास्ट आपका फेस सेंटर्ड लैटिस, इसको फलक केंद्रीय जालक में अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे इन 4 से रिलेटेड कि भी आपका जो स्पेस लैटिस है वो मेनली आपके 4 रूप से आपको देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद बात करेंगे उसमें अवयवी कण है वो इनमें किस तरह से व्यवस्थित रहेंगे और किस तरह से उनमें आपके जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट टाइप है जिसको अपन ने प्रिमिटिव टाइप कहा, या फिर कहते हैं सिंपल लैटिस। तो यहाँ पर इसके बारे में समझना है कि यहाँ पर अपन बात करें तो इसमें क्या बताया गया है कि वे जालक जिनमें अवयवी कण हैं सामान्यतः एक कोष्ठिका के कोनों पर व्यवस्थित हो, कि भी आपके अवयवी कण कहाँ होंगे, एक कोष्ठिका के कहाँ पर होंगे, या कहते हैं एक कोष्ठिका के कोनों पर आपके क्या होंगे अवयवी कण व्यवस्थित होंगे, और इस प्रकार ये क्या करें एक जालक कोष्ठिका के अंदर अपन बात करें कि कुल अवयवी कणों की जो संख्या है वो अपन इसमें किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो वो समझना है कि भाई अपन बात करें कि एक कोने पर क्या है आपका एक कण व्यवस्थित है, और उन सभी के लिए बात करें तो एक एक कोष्ठिका का जो भाग होगा जो कि अपन बात करें कि उस आपके कण को स्पर्श करता है, कि मतलब एक ही कण को स्पर्श करने वाले आपके अन्य कणों की बात की गई, तो वहां पर अपन क्या देखते हैं कि त्रिविम में आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी अगर घन के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक कण को 8 अवयवी कण कह दें या आपके आयन कह दें वो क्या कर रहे हैं इसको स्पर्श कर रहे हैं। अब देखिए इसको अपन एक जालक से समझते हैं, यहाँ पर मैं एक जालक संरचना बना रहा हूं, सामान्यतः कौन सा है घन,
यहां पर एक खनिज जाले की संरचना बना रहा। अब यहां पर देखिए क्या बताया गया है कि अगर किस टाइप का हो, सिंपल और प्रिमिटिव लैटिस हो, तो यहां पर आपके जो अवयवी कण होंगे वो कहां पर व्यवस्थित होंगे, घन के कोनों पर व्यवस्थित होंगे, जिसमें प्रत्येक कण है वो त्रिविम रूप से एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। कि त्रिविम रूप से क्या होगा, वो आपके स्पर्श करेगा। इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि एक कण 8 एकक मात्र कोष्ठिका जो है उसका भाग होगा, कि एक कण एकक मात्र कोष्ठिका का कौन सा होगा, 8 भाग होगा। तो यहाँ पर अपन कैसे कहते हैं वो क्या हो गया, 1/8 भाग हो गया। तो यहाँ पर अपन इसके लिए बात करें तो एकक मात्र कोष्ठिका का जो मान आएगा सामान्यतः 1/8 भाग हो जाएगा। और इस घनी संरचना के लिए अपन बात करें कि इसके 8 कोणों पर आपका जो है कण व्यवस्थित है, तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहां पर एक कोष्ठिका, अब इसमें किसके कणों की संख्या, अभी अपन ने बात की कि प्रत्येक घन है उसके कोणों पर कितने हैं, 8 कण व्यवस्थित हैं, और प्रत्येक इसको स्पर्श कर रहा है, तो 1/8 भाग अपने एक मात्र कोष्ठिका के लिए बोल दिया। तो यहां पर 1/8 इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर इसके लिए कितना मान आएगा, 1, कितना मान आएगा एक मात्र कोष्ठिका के लिए जो कणों की संख्या है या मान के लिए 1 आता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि सिंपल और प्रिमिटिव लैटिस है उसकी एकल कोष्ठिका में कणों की जो संख्या है वो क्या है, आपकी 1 है। ठीक है, ये भी यहाँ पर सेंट्रल यूनिट कह दे, इकाई जाल कह दे, वो क्या है आपकी यहाँ पर 1 प्राप्त होती है। और सामान्यतः इस पर व्यवस्थित होगी कि भी घन है उस घन के कोणों पर क्या होंगे, आपके कण व्यवस्थित होंगे। ये इसका था फर्स्ट पहला टाइप। दूसरा टाइप दे रखा है कि जब आपका जो जालक है उसमें अवयवी कण है वो एक कोष्ठिका, यानी इसकी बात करें अपन, एक कोष्ठिका के कोणों के अतिरिक्त समानांतर कोष्ठिका में क्या हो, आपकी व्यवस्थित हो, यानी केंद्र के समानांतर आपकी व्यवस्थित हो। इस तरह से हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, तो वो किसी तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो इसके लिए अगर अपन बात करें तो आपकी एक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या है वो किस तरह से होगी, तो यहाँ पर पहले समझना है कि वो किस तरह से व्यवस्थित है। जैसे ये आपका क्या है, कहाँ व्यवस्थित हो गया, इसके सेंटर पे व्यवस्थित। अब इसको इसमें डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं कि ये इसमें इस तरह से क्या होगा, व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर 8 कोणों पर व्यवस्थित है और 2 फलक पर है। ठीक है, इस रूप में है, समानांतर रूप में दोनों के पैरेलल मान सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर जो ये आपका किसके लिए बात की थी, दूसरा टाइप है इसका, बेस सेंटर्ड लैटिस। अब इसमें एक कोष्ठिका के लिए अपन कणों की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए घन है, घन के 8 कोणों पर व्यवस्थित है, तो इसमें भी वो व्यवस्था है आपको देखने को मिलती है। साथ में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि समानांतर रूप से 2 और कण व्यवस्थित हैं, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, प्लस 2 से 1/2। तो यहाँ पर बात करें ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, 2 हो जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, आधार केंद्रीय जालक है, इसमें आपके एक कोष्ठिका के लिए जो अपन कणों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर उसके लिए कितनी आती है, कणों की संख्या आपके 2 है, यानी समानांतर तल में केंद्र का कण है वो होगा 2 एक कोष्ठिका से क्या होगा, सम्मिलित होगा, या अपन कहते हैं इसमें ये मिलकर इसमें बना होता है। ये इसका सेकेंड टाइप हो गया जिसमें अपन ने बात की थी, आधार केंद्रीय। अब इसमें बात करते हैं तीसरा टाइप, तीसरा है आपका काई केंद्रीय।
ठीक है। अब इसको समझना है, देखिए घर के कोणों पर तो व्यवस्था वैसे की वैसी पड़ी रहेगी, ठीक है। और फिर बात करते हैं इसमें तीसरा टाइप जो है, तो ये क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड लैटिस काय केंद्रीय जालक। यहां पर क्या बताया गया, इसमें जालक के अवयवी कण हैं वो आपके एक कोशिका के कोणों के अतिरिक्त, ठीक है, कोणों पर तो है तो यहां पर कोणों के अतिरिक्त जो एक कोशिका के केंद्र है वो वहां पर आपका क्या रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। और केंद्र जो अपन बात करें केंद्र में है वो किसी तरह से भी हो सकता है, क्योंकि यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, तीनों जो डायमेंशन है उसमें क्या हो सकता है, आपका व्यवस्थित हो सकता है। जैसे मैं एक बना रहा हूं कि भाई इसके हो गया, फिर नीचे वाले तल में हो गया, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, और दूसरा आपकी अंदर और बाहर की तरफ। तो यहाँ पर अवयवी कण है वो अपन बात करें कि काय केंद्रीय या बॉडी सेंट्रल है, जालक के में हो सकता है या अंत केंद्रीय जालक में बोलते हैं, अंदर की तरफ क्या होंगे आपके, व्यवस्थित है संरचना देखें। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कणों की जो संख्या की बात करें तो यहाँ पर किसी एक स्थिति को कि यहाँ तो यहाँ है या फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या अंदर है और बाहर की तरफ किसी एक जगह है, तो यहाँ पर इसके लिए बात करें कि वो भाग कौन सा होगा, तो एक बटा एक तो वो एक ही रह गया। तो यहाँ पर इसके लिए बात करें तो यहाँ पर प्लस ए, और जो आपके अवयवी कणों की संख्या है कितनी हो जाती है, एक, कि भी एक एक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या है वो कितनी होगी, दो। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो आपका केंद्र का कण है वो केवल क्या है, आपकी उसी एक कोष्ठिका का होता है, ये मतलब किसी एक भाग से रिलेटेड हो। तो ये था इसका तीसरा टाइप, बॉडी सेंटर्ड लैटिस। अब इसमें बात करते हैं इसका चौथा टाइप जिसको फेस सेंटर्ड लैटिस बोला जाता है, या फिर कह दे फलक केंद्रीय जालक। इसमें क्या बताया गया है कि वे जालक जिनमें अवयवी कण है वो कहां पर है, एक मात्र कोष्ठिका के आपके क्या हो, एक तो कोणों पर व्यवस्थित हो, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर क्या हो, फलक के केंद्र पर स्थित हो। क्या बताया कि ये किस पर व्यवस्थित हो आपके, एक तो कि भी कोणों पर व्यवस्थित हो, और दूसरी चीज कि भी वो यहां पर व्यवस्थित हो, इनके केंद्र में व्यवस्थित हो। मतलब यहां पर अपन किसके लिए इसको स्टार ग्रुप में लिख देते हैं जो कि इनसे अलग दिखेगा, तो यहां पर इसमें केंद्र, इसके केंद्र में, इसके केंद्र में, इसके केंद्र में, इसके केंद्र में, अंदर हो बाहर, तो यहां पर ये क्या होगा, केंद्र में क्या होगा, आपके बॉडी के मध्य में स्थित होगा, यानी आपकी जो एक मात्र कोष्ठिका उसके मध्य भाग में क्या होगा, व्यवस्थित होगा। अब इसके लिए अपन बात करें तो एक कोष्ठिका में जो कणों की संख्या है, तो यहां पर अपन बात करें कोणों पर कितने हैं, आठ व्यवस्थित, ठीक है। साथ में क्या देखने को मिलता है कि भाई जो कण है वो घन के फलक के केंद्र में भी स्थित है, भाई किसके से, भाई ये फलक है इसके केंद्र में व्यवस्थित, ये फलक है इसके केंद्र में, ये फलक है इसके केंद्र में है, तो यहाँ पर जितने फलक है उसके केंद्र में भी व्यवस्थित है। तो यहाँ पर फलक अपने कितने पड़े थे कि फलक सामान्यतः अगर किसी घनीय जालक की बात करें तो फलक की संख्या होती है छह, तो यहाँ पर उसी के रिलेटेड अगर बात करें तो उसमें एक फलक भी एक ही तो है, तो इसमें क्या हो जाता है वो एक बटा दो। तो यहाँ पर अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि भी एक कोष्ठिका के लिए जो कणों की संख्या है, पहले तो जो आपका ये वाला मान है घन के कोणों पर व्यवस्थित है, प्लस फलक, फलक में छह है और एक बटा दो। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि भाई ये जो आपके अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी आ जाती है, इसके लिए चार आ जाती है, एक कोष्ठ, एक कोष्ठिका, मात्र कोष्ठिका बोल दें, उसके लिए अपने क्या देखने को मिलता है
कि जो कणों की संख्या है वो क्या आती है। अगर आपका फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रीय जालक है तो उसके लिए कितना मान आएगा, 8 मान आए, तो आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके टाइप ऑफ स्पेस लेटिस त्रिविम जालक के प्रकार, जिसमें चार तरह के आपके जो है बड़े हैं, जिसमें अपन बात करें पहला था आपका सिंपल या प्रीमेटिव लेटिस, सेकंड था आपका बेस बोर्ड आपकी बेस सेंट्रल आपका लेटिस, और थर्ड था आपकी बॉडी सेंट्रल आपका लेटिस, और फोर्थ आपका फेस सेंट्रल लेटिस। तो यहाँ पर अपन ने चार तरह के जो त्रिविम जालक हैं उनकी संरचनाएं देखी, उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था देखी। ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर अपन किसी घन के लिए बात कर रहे हैं तो ओवरऑल जो तीन आपके चारों जो अपन ने आपके टाइप पढ़े हैं, चारों टाइप में जो घन के कोने हैं इन पर आपके अवयवी कण आपके प्रॉपरली व्यवस्थित होंगे। अब देखिए अपन ने ये जो लास्ट वाला देखा है इसमें आपकी खास बात क्या है कि यहाँ पर जो अपन ने अवयवी कणों की संख्या बताई थी 14 प्रकार आपके है अवयवी कण, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। 8 तो आपके ये हो गए और 6 वो आपका जो आपका घन है या कहते हैं उसकी जो सेंट्रल पोजीशन है उसमें एक एक आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टोटल ये कण देखने को मिलते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके टाइप ऑफ स्पेस लेटिस। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं वो बढ़ाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।